ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का प्यार हमारे परिवार के सदस्यों की तरह है। 11.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर और हर महीने 70 से 90 लाख के बीच में दर्शकों की संख्या, ये दर्शाती है कि आपका प्यार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। और नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें हमेशा भेजते रहें ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं। ग्रहों का खेल और सुरेश रिमाली यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष, आध्यात्म, यंत्र मंत्र और तंत्र के गूढ़ रहस्यों से हम रोजाना ही पर्दे उठाते हैं और वो नुस्खे, वो उपाय आपको बताए जाते हैं जिनके पथ पर चलकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन एक यात्रा है, ना कि दौड़। हमें हमेशा अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि यह जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। इस अवसर को पहचान लीजिए। कोशिश करें कि आप जीवन ऐसा जिए कि दूसरों को तकलीफ ना हो। और यह सफर जो मैंने बताया है, इसी सफर में 2020 भी आ गया, फरवरी भी खत्म हो गया और आज 1 मार्च का कार्यक्रम हम दे रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश रिमाली। आप सभी प्रिय दर्शकों का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के 1 मार्च संडे आज के राशिफल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या फिर कोई स्पेशल डे है। जब आप 6 राशि आज देख चुके होंगे तो मैं आपको एक विशेष आकर्षण बताऊंगा। भाग्य से बड़ा है क्या कोई और? दूसरा, कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे प्रमोशन और इच्छित स्थान पर स्थानांतर यानी ट्रांसफर के लिए हम क्या विशेष उपाय करें। आज चंद्रमा की बात करें तो दोपहर 1:17 तक मेष राशि में और फिर अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। चंद्रमा मन और मस्तिष्क की लौट जब उच्च राशि के बजाय तो खुद भी खुश रहते हैं और हमें भी खुश रखते हैं। आज के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यात्रा, खरीदारी, इंपॉर्टेंट कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय नोट करिए। सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर को 2 से 3, लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि राहुकाल रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपका ज्यादातर ध्यान आज इस बात की ओर रिसर्च करने की तरफ होना चाहिए। एकांत में बैठें, परिवार के साथ बैठें और मोबाइल और सोशल मीडिया को दूर रखते हुए आप अपने परिवार में बैठकर इस बात का चिंतन करें कि आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आने वाले दिनों में, सालों में हमारे पास क्या जिम्मेदारी आने वाली है, उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि उस वक्त हमें रुपए पैसों की किल्लत ना हो। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उस पर रूपरेखा बनाना और रिसर्च करना, खर्चों और कर्जों को कम करने की तरफ ध्यान होना चाहिए। बिजनेस पर्सन के बिजनेस में इनोवेटिव आइडियाज, चैलेंजेस, चेंजेस लेकर आएंगे और कवायद इसकी तेज हो रही है। जॉब में सेटिस्फैक्शन के साथ साथ अपने काम पर आप फोकस कर सकेंगे। पर्सनल लाइफ में अपनी कोई हॉबी पूरी करने में आप बिजी रहेंगे और संडे को फंडे बनाने के लिए आपको अग्रसर होना चाहिए। आज कोई ऐसा काम करें जिस पर बच्चे जिनके एग्जाम चल रहे हैं इनके साथ बैठें, उनके पेपर में इन्वॉल्व हो और ऐसा कोई काम करें जिससे बच्चों का प्रेशर और स्ट्रेस कम हो जाए। आप अपने करियर में प्रेस्टिजियस पोजीशन पाने के लिए आज कोई स्पेशल काम कर सकते हैं। खिलाड़ियों को खेल में और एक्टर्स को अपनी एक्टिंग में भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। अपने जो बॉस है, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रखिए। आज परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। ये संडे आप घर के लिए जो भी शॉपिंग करनी है उस पर बिता दें और सभी परिवार वालों के लिए सारी शिकायतें मिटा दें और दम और एकदम खुश नजर आएंगे। संडे को ध्यान में रखते हुए आप पेरेंट्स का नियमित चेकअप जरूर करवा लें। लकी कलर मैरून, नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृषभ राशि, अपने शरीर और मन इसको चुस्त और तंदुरुस्त करने के लिए क्या नुस्खा अपनाया जाए, हम किस जगह पर स्टैंड करते हैं, हम कितने पानी में हैं, इन 2 मैटर पर इस पर गहनता से रिसर्च करिए। अपने एकांत में बैठकर विचार करिए और उसके बाद क्या हमारे पास खास है और क्या नहीं है इस पर विचार करिए, लाभ मिलेगा। बिजनेस पर्सन्स के बिजनेस में बढ़िया प्रोग्रेस के योग बन रहे हैं, कुछ नया करने का भी मानस बन रहा है। वर्क प्लेस पर सबऑर्डिनेट्स का साथ मिलेगा जो आपने कोई जमाने में उनको साथ दिया था। फैमिली मैटर्स के लिहाज से दिन बहुत सुखदायी रहेगा। स्टूडेंट स्टडी के साथ ही हेल्थ पर भी फोकस कर रहे हैं और अब एग्जाम आ रहे हैं, कुछ लोगों के चल रहे हैं, तो आज आपकी पढ़ाई बहुत शानदार रहेगी और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। छोटे बच्चे और बुजुर्गों की आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि उनके सेहत पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन वो सॉल्व जरूर हो जाएगी।
संडे में यदि आप खाली हैं तो घर या बाहर का कोई काम निपटाएंगे, ना हो तो सिर्फ एंजॉय करें, टीवी देखें, मूवी देखें, घर की देखरेख करें, परिवार वालों के साथ कोई गेम खेलें। इससे आपका फिटनेस का भी एहसास आपको हो जाएगा और ऐसा कुछ काम करें जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सीख मिल जाए, तब ही बेटर मिलेगा, बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा। बाहर खाना खाना छोड़ दीजिए आज तो एटलीस्ट, क्योंकि इससे आपके पेट खराब हो सकता है, शरीर खराब हो सकता है और बच्चों को तो नहीं खाना चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई तकलीफ ना आ सके। मनोरंजन बहुत अच्छा रहेगा और अनुभव आज बहुत अच्छा शेयर करेंगे। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है आज, क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ वाला दिन है, इसलिए ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। ये बड़ों के साथ भी हो सकता है लेकिन बच्चों में ज़्यादा होता है। लकी कलर पर्पल नंबर 2 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि, आपका ज़्यादातर ध्यान खर्च और कर्ज को कैसे कम किया जाए इस पर रिसर्च वर्क करिए परिवार वालों के साथ बैठकर। बिजनेस पर्सन्स के बिजनेस में अपने सोचे हुए ज़्यादातर काम को ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे लेकिन क्रॉस कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपकी लेजीनेस वर्क स्पीड लो कर सकती है। अपने अंदर चुस्ती और तंदुरुस्ती लाने के लिए कुछ स्पेशल काम करिए। स्टूडेंट को शांति से पढ़ने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसी दोस्त, रिश्तेदार या पार्क में जाकर पढ़ाई करिए। अहम, ईगो, हम चौड़े और गली संकड़ी, इस प्रकार की चीज़ों से लव पार्टनर और बिजनेस पार्टनर या पर्सनल लाइफ में आपके दीवार आ सकती है, दरार आ सकती है। संडे को फंडे बनाते हुए मनोरंजन से टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली के साथ बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। वीकेंड को लेकर, संडे को लेकर बच्चों ने कुछ खास प्लानिंग कर रखी है, पढ़ाई की और एंटरटेनमेंट की भी, दोनों ही आप पूरे कर पाएंगे। लकी कलर ग्रे नंबर 5 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। कर्क राशि, अपनी उम्र से बड़े भाई या बड़ी बहन की तरफ विशेष विचार करना चाहिए। बिजनेस पर्सन्स के बिजनेस बढ़िया चलने के योग हैं, थोड़ा ध्यान आपको अपनी फैमिली की तरफ जरूर देना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोग कुछ अच्छा अचीव जरूर कर पाएंगे। शादीशुदा लोग कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आज ले सकते हैं। स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन में जी जान से जुटे रहेंगे और परिवार का, माँ बाप का आशीर्वाद और सहयोग आपको भरपूर मिल रहा है। संडे को आज फिर से बच्चे बनकर अपने बच्चों और फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे। ना कोई परहेज रखें और ना ही कोई प्रिकॉशन। जो आपके बच्चे चाहें वो आप करिए, जो दिल चाहे वो करिए। जिंदगी एक ही बार मिली है, दो बार क्या सोचना। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें जिंदगी को जीने के लिए भेजा है, कोई जिंदगी को काटने के लिए नहीं भेजा है। हमेशा आने वाला कल ठीक करने के लिए आज को गंवाना ठीक तो नहीं है। बढ़िया फिटनेस के साथ आज स्पेशल कोई काम कर पाएंगे और आज से आपने ये ठान लिया कि मुझे अपना वजन कम करना है, बॉडी बनानी है, तो समझ लीजिए कि हो ही गया। लकी कलर व्हाइट नंबर 8 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। सिंह राशि, आज आपका ज्यादातर ध्यान जिस काम से आपकी इनकम होती है उसे कैसे बेहतर किया जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए, इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। बिजनेस पर्सन के बिजनेस में मल्टीनेशनल कंपनी से कोई अच्छा खासा मुनाफा हाथ लगे, इसकी प्रिपरेशन आज करनी चाहिए। ईमेल खोलकर देखिए, हो सकता है कोई खुशखबरी आपको मिल भी गई हो। वर्क प्लेस पर आप अपने चाहे गए काम इजीली तो नहीं लेकिन काफी हद तक कर पाएंगे। आप आज स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव रहेंगे, धर्म कर्म पुण्य दान धर्म में आपकी रुचि रहेगी और ऐसा करके आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लव पार्टनर से मिले जुले गिफ्ट, मिले जुले परिणाम मिलेंगे और एक बेहतर गिफ्ट हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर सच संवर के आपके सामने आए, हो सकता है हाथ में कोई अच्छा सरप्राइज गिफ्ट हो या जुबान में मीठे शब्द और चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ग्राउंड में प्लेयर्स स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ जोश और होश में अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। संडे को आप फंडे बनाते हुए कुछ नया करने के लिए अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे और बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। आज आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसे, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी माँ घर परिवार की सफाई करती, घर परिवार की नहीं घर की सफाई करती है, तो आज आप उनका हाथ बटाएं और उनको बैठा कर रखें। वो कुछ रोज खाना पकाते हैं, आज आप उनके लिए पकाइए। कुछ ऐसा करिए जो परिवार वालों को लगे यस बॉन्डिंग मजबूत हो रही है। आगे बढ़ें और आज दिन को जीने की तरफ हर कुछ कोशिश करें। कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को चलाना सीखें, चला रहे हैं परफेक्शन लाएं, गाड़ी ठीक कराएं, कुछ सर्विसिंग वगैरह कराएं, उसमें टाइम स्पेंड करिए। संडे को ध्यान में रखते हुए खान पान पर विशेष ख्याल रखेंगे तो फिटनेस बरकरार रहेगी। लकी कलर ब्लू नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कन्या राशि, भाग्य आपका शानदार है। भाग्य में उन्नति के लिए आपको आज अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे वीडियोस देखने चाहिए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए जिसे जीवनियां कहते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसी से आपको आइडिया मिलेगा कि हम अपनी बेहतरी के लिए क्या काम करें।
बिजनेस पर्सन के बिजनेस में प्रॉफिट वाला दिन होने से खुशी मिलेगी और आज कुछ लोगों से मुलाकात होगी जिससे लगेगा यस मैंने अपना काफी काम निपटा दिया है। वर्क प्लेस पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे जो आपके लिए एक्स्ट्रा अच्छी रहेगी। लव पार्टनर के साथ दिल का रिश्ता और गहरा होगा। पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेकर घर से निकलना सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करेगा। प्लेयर अपने फील्ड में बेहतर कर पाएंगे। शहर में नजर दौड़ाएं जनाब, अखबार देखें या नेट पर खंगालें, कहीं आसपास ही कोई मेला, बुक फेयर, फन जोन, कुछ ऐसा जो एंटरटेनमेंट का हो वो चल तो नहीं रहा है, चल रहा है तो उस पर जाइए और मजे लूटिए, मस्ती में ये पल को एंजॉय करिए, आजीवन अपने पलों को याद करिए और अपने एल्बम में सजा के रखिए। आज बहुत शानदार दिन है, पढ़ाई और करियर बहुत शानदार हो सकता है और सेहत बहुत शानदार रहेगी जिससे आपको स्पेशल काम कर पाएंगे। लकी कलर आपका गोल्डन है, नंबर 4 शुभ है, भाग्योदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। प्रिय दर्शकों, लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है तो नीचे टूटती क्यों है, ये बड़ा भाग्यशाली है, इसका तो दुर्भाग्य है। ये सारा शब्द हम लाते कहां से हैं, क्योंकि हमने ऐसा सोच रखा है कि भाग्य ही सबसे बड़ा है। लेकिन आज का मेरा मुख्य विषय है कि भाग्य बड़ा या कुछ और। हम किसी असफलता पर निराश होकर, किसी दुख से दुखी होकर अक्सर भाग्य को कोसते हैं, लेकिन अपना भाग्य तो आपने खुद ही लिख दिया है, तो फिर उसे क्यों दोष देना। भाग्य से भी बड़ा पुरुषार्थ है। अपना पुरुषार्थ शुभ रखिए तो भाग्य खुशियों की सौगात लेकर आपके साथ रहेगा। याद रखिए, हम हर पल भाग्य को भोगते हैं और हर पल हम पुरुषार्थ भी करते हैं। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ यानी कर्म इस जन्म में भाग्य बनकर हमारे साथ है, तो इस जीवन में किया जा रहा पुरुषार्थ हमारे अगले जन्म का भाग्य बन रहा है। हम एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो भी कर्म कर रहे हैं, भला या बुरा, शुभ या अशुभ, यही हमारा पुरुषार्थ है जो अगले जन्म में हमारा भाग्य बना रहा है। इसीलिए मन, वचन और कर्म से सदा शुभ और भला करें तो आपका इस जीवन में पुरुषार्थ अगले जन्म की खुशियां भी लेकर आएगा। और याद रखिएगा, इसी जन्म में आपके आने वाले समय में भी ये आपका भाग्य बन जाएगा। ये जरूर नहीं है कि इसी जन्म का इसी जन्म में इंसान भोगे, ऐसा जरूर नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि इंसान 30-35 साल की उम्र तक तो मस्त रहता है, फिर 45-50 साल में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब क्यों आती है? क्योंकि इसने जो बुरे कर्म किए वो बार बार याद आता है, कचोटता रहता है। पहले गलत काम करते हैं, फिर गलत को ठीक करने के लिए अपना टाइम और पैसा वेस्ट करते रहते हैं। हम गलत करें ही नहीं, हम उसी टाइम उसको ठीक कर लें तो रिलैक्स रहेंगे, कभी ज़िंदगी में डायबिटीज़ नहीं होगी। और अगर परिवार में सबको डायबिटीज़ है तो ऐसा हमें भी लगता है कि हमें भी हो सकती है, तो बहुत लेट होगी, माइल्ड होगी, कंट्रोल में की जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा अच्छे पुरुषार्थ करें, अच्छे कर्म करें, भाग्य आपके पीछे आएगा। बात करते हैं राशिफल के आगे, तुला राशि से। आपका ज्यादातर ध्यान आकस्मिक परिवर्तन इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, जैसे परिवार में, ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसके हिसाब से हम अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं उस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में प्रॉफिट और ज्यादा बिजी रखने के लिए एनकरेज करेगा। जॉब में अथॉरिटीज के साथ से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और जब आत्मविश्वास होता है तो इंसान अपनी जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। सरल स्वभाव से दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ सुखद रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट के अब्रॉड में पढ़ाई करने के योग बन रहे हैं। आपकी पढ़ाई शानदार चल रही है, माँ बाप आपको सहयोग दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हम आगे के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। संडे के दिन स्वयं को पर्यावरण प्रेम में रत कर दीजिए। घर में, कॉलोनी में, पास के पार्क में या फिर मंदिर में, जहाँ जगह मिले वहाँ पौधारोपण करें और उनकी साग संभाल के लिए आप आज ही संकल्प लें, अपने आप को कटिबद्ध बनाएं, पर्यावरण में योगदान दें और कुछ ऐसा करिए जो खुद के लिए नहीं या खुद के लिए भी हो लेकिन परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों के लिए भी हो। ये पुण्य लाभ करने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। हाई हो या लो, ब्लड प्रेशर के मरीज को और हार्ट के मरीज को आज बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लकी कलर रेड, नंबर 1 शुभ है, भाग्योदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृश्चिक राशि, आज आपको अपना ज्यादातर ध्यान आपके जो भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, उनके साथ कैसे बेहतर ताल्लुकात बने, छोटी बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हम कैसे उसको और बेहतर या बेहतरी की तरफ ले जा सकें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेस में मन, वचन और कर्म से आज लगे रहेंगे। जॉब में अपनी बढ़िया स्पीड के चलते आप बहुत हद तक आधे दिन में ही अपना टारगेट प्राप्त कर लेंगे और फिर बाद में परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। और जिन लोगों की ऑलरेडी छुट्टी है उनको संतान सुख और संतान से सुख के साथ साथ मन चाही जगह पर
घूमने फिरने का और संडे को फंडे बनाने का पूरा मौका मिलेगा। लव लाइफ में जो भी गलतफहमी थी वो दूर होकर एक शानदार डेट हो सकती है, एक मीटिंग हो सकती है, एक बढ़िया डिनर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बोर्ड के एग्जाम के चलते स्टूडेंट थोड़े से तनाव में जरूर हैं, लेकिन जिनका पहला एग्जाम अच्छा हुआ है उनको अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। जिनका एग्जाम ठीक ठीक या खराब हुआ है उन लोगों को आगे और स्टडी करने की सलाह दी जाती है। इस संडे को आप संगीतमय संडे बनाने की तरफ सेलिब्रेशन करिए, कुछ सीखिए, चाहे गाना गुनगुनाना सीखिए आप, कुछ कीबोर्ड चलाना या फिर हारमोनियम चलाना या कोई भी जो आपको पसंद है संगीत, गिटार, सितार, ये कुछ भी बजा सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। म्यूजिक का कोई स्टेज शो यदि आपके शहर में आयोजित हो रहा है या किसी होटल में ऐसी व्यवस्था हो रही है तो आप उसमें ज़रूर शरीक हों। बच्चों की सेहत और बुजुर्गों की सेहत में आज गिरावट आ सकती है, ख्याल उनका ज़रूर रखिएगा। लकी कलर सिल्वर, नंबर 3 छुप है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। धनुराशि, आपकी सेहत कैसी है ये मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं, लेकिन इससे बड़ा सवाल या इससे बेहतर सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, कहां पर आप स्टैंड करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर और मन में कोई तकलीफ चल रही हो जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं ये सोचकर कि बाद में ठीक हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ठीक हो जाए अच्छा है, लेकिन ना हुई और बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे, इस पर गौर करिएगा। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में कई सारी प्रॉब्लम एक साथ फेस करने को मिल सकती है। जॉब करते हुए काम में लगातार डिस्टर्बेंस से आप इरिटेट हो सकते हैं। हो सकता है कि आज आपने कोई संडे को फंडे बनाने का प्लान कर लिया हो और बॉस ने कहा है कि ऑफिस आ जाना, आज बड़ा जरूरी काम है, फिर आप क्या करेंगे। तो आपको इस सामंजस्य को बिठाना चाहिए कि हाफ डे ऑफिस को और हाफ डे अपने परिवार को दें। लव लाइफ में आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। स्टूडेंट के कुछ कन्फ्यूजन पॉजिटिव स्टडी पलों में रुकावट का काम करेंगे। बढ़ती बीमारियों के चलते आप अपने आसपास साफ सफाई, घर में, परिवार में और आस पड़ोस की जगह पर ज़रूर ऐसा कुछ मुहिम चलाएं कि और लोगों को लेकर कि आप कोई पेड़ लगाएं, साफ सफाई का ख्याल रखें ताकि संडे को आप बेकार या ज़ाया न जाने दें। और आप प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए लोग, चिकित्सा, आयुर्वेद, वैद्यराज की शरण में जाएं और अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए, चुस्त और तंदुरुस्त बनाने के लिए कुछ स्पेशल काम करें। इससे शरीर के रोग भी दूर होंगे और आने वाले समय में और बेहतर हमें एक सीख मिलेगी चुस्ती और तंदुरुस्ती के लिए। प्रिय दर्शकों, आप सभी कोशिश करें कि मन किस चीज़ से प्रसन्न हो सकता है, जो हॉबी है उसे आज पूरा करने का मौका है, आप कर लीजिए। लकी कलर लेमन येलो, नंबर 6 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मकर राशि, आपका ज़्यादातर ध्यान ज्ञान को बढ़ाना, बढ़े हुए ज्ञान को आज कैसे इस्तेमाल करें, आज बच्चों को, परिवार, दोस्तों के साथ कोई कहानी, किस्सा, चुटकला, कोई भी ऐसी बात जो ऑटोबायोग्राफी में कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, जिससे माहौल अच्छा हो सके, चाहे हंसी आए, चाहे ज्ञान मिले, ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। बिजनेस पर्सन्स के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का डिसीजन सही होगा। जॉब में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। अनएम्प्लॉयड लोगों की तलाश आज खत्म होने की ओर आगे बढ़ रही है। ईमेल चेक करिए, हो सकता है कोई ऑफर आ गया हो। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज अच्छे एहसास आपकी शाम को बेहतर बनाएंगे। आज ऐसा लगेगा यस, मैंने अपनी जिंदगी का आज का दिन जी लिया। परिवार में आपका ध्यान बेटी, बेटा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं करना है, बल्कि इनके साथ संडे को फंडे बनाते हुए बच्चा बनकर जीने की कोशिश करेंगे। अपने काम को किसी पर छोड़िए मत, किसी परिचित हो, दोस्त हो, कोई खुद अपना काम करिए तो अच्छा रहेगा। इसी से आपको जो लंबा समय बीत गया है, आज हमें मित्र, रिश्तेदार, परिवार वालों से मिलना चाहिए और अपने काम को खुद करना चाहिए। आज आपके लिए ऐसा अच्छा रहेगा करना कि जो टूट फूट है, कोई रिनोवेशन की चीज़ है, घर में अगर कुछ खराबी हो चुकी है उसे हम कैसे ठीक करें, उस पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। अपने परिवार वालों के साथ अच्छे पलों को, सुखद पलों को व्यतीत करते हुए ड्रेसिंग सेंस शानदार रहेगा। आज कुछ ऐसा काम दान पुण्य धर्म का हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का हो सकता है, जो आपको बहुत खुश कर देगा। सेहत को लेकर चिंता मुक्त रहें। लकी कलर ग्रीन, नंबर 9 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कुंभ राशि, आज आपका ज्यादातर ध्यान जो गाड़ी आप चलाते हैं इसकी सर्विसिंग, देखरेख, चेंज करना, कुछ टूट फूट को ठीक करना बहुत जरूरी रहेगा। इससे आने वाले समय में कोई तकलीफ आपकी कम या खत्म हो सकती है। बिजनेस पर्सन के बिजनेस में दिन सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार जाने वाला है। आज पुराने ग्राहकों के आने, उनसे बातचीत करने से आपको बहुत खुशी मिलेगी।
वर्क प्लेस पे काम में पूरा इंटरेस्ट करने से, इंटरेस्ट आने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और जेब में अच्छा पैसा आएगा, तो आप बहुत अच्छे ढंग से खर्च भी कर पाएंगे। करियर के लिहाज से दिन पॉजिटिव है। पेरेंट्स की प्रेजेंस से आपकी ज़िंदगी की कोई बड़ी प्रॉब्लम समाप्त होने जा रही है। संतान की बेहतर पढ़ाई लिखाई से, करियर से, बेहतर कर्म करने से, मेहनत करने से माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं। सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और खुशी के आंसू बस निकलने ही वाले हैं। संडे को फंडे बनाते हुए, यदि कई दिनों से आपने अपनी किसी हॉबी को, अपने दिल की इच्छा को पूरा नहीं किया, तो वो आज मौका मिल रहा है। आज लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, खाने पीने के लिए बाहर जाएं, अनुभव और आनंदित रोमांचित पलों को एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। दिल की कोई आरजू है, तमन्ना है, तो उससे कह दीजिए, जिससे दिल आपका ज़रूर बाग बाग होता है मिलने पर। हल्का फीवर परेशान कर सकता है, आप ज़रूर कुछ ऐसे वस्त्र पहने जो आपको ये मौसम के परिवर्तन के लपेटे में ना ले ले। लकी कलर मैरून, नंबर 5 शुभ है। भाग्योदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मीन राशि, अपनी उम्र से छोटी बहन छोटे भाई की तरफ विचार करिए। बिजनेस पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करने की किसी प्रकार के रिस्क आज न लें। संडे को वैसे तो इन्वेस्टमेंट कहीं किया नहीं जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं जो लोग संडे को कर लेते हैं, या फिर आप कल भी अगर करें तो सोच विचार के करें, आज नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। वर्क प्लेस पर किए गए काम में जल्दीबाजी आपके काम को बिगाड़ सकती है, तसल्ली से काम करें, आलस्य में नहीं। फैमिली, लव लाइफ, सोशल लाइफ में आज कुछ हल्की सी मुसीबतें कोई और खड़ी करने की कोशिश करें। हमारी और आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आकर खराबी कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे। दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ में आप कोशिश करें कि तनाव जो भी उसे ख़त्म करके आज एक बेहतर शाम को गुजारा जाए। संडे के इस खास दिन को 70 और 80 के दशक या जो आपको पसंद है उस दशक की कोई पिक्चर, मूवी का कोई गाना या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है उसे सुनिए, तो वापस उसी दौर में पहुँच जाएंगे जैसे कोई ज़माने में बुधवार को और शुक्रवार को, जहाँ तक मेरी याददाश्त ठीक है, चित्रहार आता था। संडे को पिक्चर आती थी, शाम को 7 या 7:30 बजे हम लोग और कृषि दर्शन आता था, तो उनको जब आप सुनेंगे तो आप वापस उसी दौर में पहुंच जाएंगे, तो यह आपके लिए सुखद पलों का एहसास दिलाएगा। रोमांटिक गाने सुनिए, अच्छे मोटिवेशन गाने सुनिए और पुरानी यादें, सैड सॉन्ग्स से दूरी रखें तो आज अच्छा रहेगा। आपसे रिश्तेदारों को बहुत कुछ आज लाभ मिलने वाला है। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत ख्याल रखना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। प्रिय दर्शकों, अब मैं वो खास उपाय बताता हूं जो प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मां बगलामुखी का मंत्र पढ़ने से ट्रांसफर रुक जाती है और ट्रांसफर होनी होती है, या आप करवाना चाहते हैं तो होने में भी लाभ मिलता है, ये एक बड़ा शानदार मंत्र है। लेकिन यदि आप अपने ट्रांसफर और प्रमोशन में तकलीफ पा रहे हैं तो इच्छित स्थान पर कराना चाहते हैं, तो सोते समय अपना सिरहाना जो तकिया होता है उसे दक्षिण की तरफ रखें और तांबे के 2 पात्र ले लें, लोटे ले सकते हैं, एक में जल के साथ बिल्व पत्र और गुड़ तथा दूसरे में जल व 21 मिर्ची के दाने डालकर सूर्य देव को अगले दिन अर्पित करें। पहले तो रात को रख दें और अगले दिन अर्पित करें। इच्छित स्थान पर ट्रांसफर के लिए सूर्य देवता से प्रार्थना करें और वो जो जल गिरे वो तुलसी के पौधे में गिरे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वैसे आपका ये उपाय जो है 5 मिनट मुश्किल से है, इसमें जाने वाला कुछ नहीं, विश्वास रखो तो आने वाला बहुत कुछ है। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी दुबई और मुंबई की यात्रा से भारत लौट आया हूँ। आने वाले दिनों में 14 मार्च को मैं काठमांडू और अमेरिका में मई महीने में और जून में इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा पर रहूँगा। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आएगा मैं आपको डिटेल में बताता जाऊँगा। फिलहाल 20 तारीख को मैं मुंबई रहूँगा, 12, 13 और 27 मार्च को दिल्ली, 15 मार्च को गुड़गांव, 21 मार्च को हैदराबाद और 22 मार्च को बेंगलुरु रहूंगा, और फिर 28 मार्च को लखनऊ और 29 मार्च को आगरा और गुड़गांव में रहूंगा। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को हल चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मैं रोजाना तकरीबन 3 घंटे लोगों से ये अपॉइंटमेंट के द्वारा बात करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी प्रिय दर्शकों का संडे शानदार गुजरे। अब्दुल कलाम आज़ाद ने आज़ाद जी ने कहा था कि यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी सीखना पड़ेगा, तो आज संडे को तपिए और चमकिए। आज इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ की। प्रिय दर्शकों, जिंदगी में समस्याएं हिस्सा है,
लेकिन समय रहते अगर हम अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लें तो निश्चित रूप से हम वर्तमान को भी सुधार सकते हैं, भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और हमारे भूतकाल से सबक ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह, 12 राशि, कुंडली के 12 भाव और साथ में 27 नक्षत्रों के मेल से हम तैयार करते हैं आपकी जन्म कुंडली। आपकी सभी समस्याओं का हल ज्योतिष और आध्यात्म में हो सकता है। देर किस बात की, अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लिया है तो सबसे बेहतर। कई बार मैं अपने कार्यक्रम में कहता हूँ कि समय रहते अगर हम उपचार कर लें तो समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे बरसात हो रही है, आप छाता खोलते हैं तो भीगने से पहले ही छाता खोलना चाहिए, भीगने के बाद नहीं। वहीं मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसको पोलियो की दवाई पोलियो होने से पहले ही दी जा सकती है, बाद में कोई काम की नहीं है। इसलिए कई बार जन्म कुंडली में जब बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसकी शांति 27 दिन के भीतर ही की जा सकती है। वहीं कुछ ऐसे उपाय हैं जो 6 से 9 साल की उम्र में, 14 से 17 साल की उम्र में किए जा सकते हैं। किसी बुरी दशा के या बुरे योग के शुरू होने से पहले अगर उसका उपचार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप भी अपनी या अपनों की ग्रहों का खेल जन्म कुंडली की फाइल जरूर बनवाएं और प्राप्त करें अपनी समस्याओं का संपूर्ण समाधान। दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं है।